اپنے نبی سے اعلان کروایا، کھول لے نبی جی،
اجان کے لیے، بیگانیت کے، غیریت کے اور غیر قومیت کے، غیر قوم جو کہتے ہیں اس کے رشتوں کو، جانوں کو ذہن سے صاف کر دیجیے، بتا دیے ہیں انسانوں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دنیا میں کسی کونے کا رہنے والا انسان کو کوئی مذہب جانتا ہو میرے آپ کے نبی کا ہوں پوری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے رب کے بننے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ہفتے موقع پر جب سوال آج صحابہ موجود تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ نے 9 مرتبہ اپنے دنیا سے جانے کی صحت کے مناسب سیکھ لو، تمہیں اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اسی حج کے خطبے میں جو آج تم ادا کر فرمائے ہو تم کے بارے میں میرے بارے میں سوال ہوگا یا تو پہنچا چکا اور آخری جملے میں کنکر مار کر اللہ کے نبی نے امت سے خطاب فرمایا، اس نے کیا فرمایا کہ ہمیں میری آپ کی تمہاری تباہی ملاقات عہد کوثر پر ہوگی. اس خطبے میں جو اس کی حج میں آپ نے جواز رحمت پر جو خطبہ دیا جس کے بارے میں حضرت ایک لاکھ 24 ہزار کفر و شرک پر مر گئے.
हर सेकंड में दो मरते हैं तकरीबन दो से एक जुमला को लाओ हमारे इंसानियत कहते हैं एक जुमला 7.5 सेकंड का होता है। इतनी देर में मैंने एक बात की इतनी देर में 15 लोग है नहीं हो है नहीं है ओंकार कुरान की जुटला है तो है वो कहना समझना ईमान के बराबर है। वो क्या जो बड़ा कहता है गैर समझता है वो ईमान वाला नहीं है क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के फरमान को सच्चा जानना अपनी आंखों से देखा आज से ज्यादा सच्चा कहना भी कहना पहले भी मानना है यकीन बात है सारी जिंदगी ये समझता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद एक अल्लाह को मानता हूँ करने का इकरार न करे मुसलमान नहीं हो मान से कहना पहले जरूरी है फिर उसके अब 1,00,000 लोग हर सेकंड में 15 लोग एक गांव पिछले जमाने में कहते हैं हमारे समाजियात कहते हैं एक गांव पिछले 10 सालों में 2,000 का मरना है 1,24,000 के कितने गांव हुए 62 गांव रोजाना चलते हैं उस आदमी नहीं चल रहे जो उठ जाएगी उस आदमी चल रहे जो हमेशा चलते रहेंगे। अब जरा तस्वीर कीजिए हम यहाँ बैठे हुए मस्जिद में हमें मालूम हो गए कहीं मस्जिद के बाहर मीनारे पड़े हुए हैं एक कुत्ता हुआ आ रहा हुआ कुत्ता दौड़ता हुआ है मेरे साथ आते हैं फिर जाए बार बार दरवाज पर आ जाता है हमारे से कुछ छूटने वाले वाकियात बार बार सुना देते एक शेर पढ़ा देते थे हमने अपने आज खिलाने के लिए जो चुहे दिल में वो भी तिनके लिए तो चुप जाते हैं वाकियात दरवाज पर आते हैं तो मलाली का सफर था लोगों का फिर मुबारक का सफर कर रहे ये अपनी जी मुबारक की कार्य बड़ी मजलूमियत की जिंदगी गुजारी बहुत जमाने तक गुलाम रहे हैं सारे आदमी साथ की गुर्बत दुनिया में तो हाल है उनका गुर्बत का बहुत गुर्बत का हाल एक वाला की इंतजार में बैठे हुए थे तो गाड़ी चल रहे खड़े हुए कि नहीं नया बोल के देखी कैसे मार कर आप में से बहुत से लोग वहां गए होंगे पूरे अपने मालिक का जो नियम खाना है वो कसारा होता है उधरों एक तरफ होता है उसमें हल्दी की तरह और अदरक की तरह की तरह जड़ होती है उसे निकाल लेते हैं उसको लकड़ी की रोटनी में कूट कर नमक डालकर उसका आटा बना लेते हैं अगर अचार चटनी मिल जाए तो दाल की शिंगा से होता है ऐसी जमीन पर डालकर भी खा लेते हैं किसी प्लास्टिक पर डाल दिया किसी चीन की प्लेट पर डाल दिया ऐसे डाल दिया वो लोग खाना बना रहे थे कभी भी जो उसके सामने बनाते हैं तो ये कोयले की अगली चीज है वो खाने का पकवाना उन्होंने उतारा और उसे एक चीन की शीट पर उसे प्रकाश के खाने की पर दिया जो बुझे हुए कोयले थे वो उसमें थोड़ी सी आग थी ऊपर उन्होंने सड़क पर ही डाल दिया राग बाहरी उधर से आवाज कुत्ता आया हुआ हमारे कुत्ते की किस्मत के आराम से देखकर झुंझुन करता है उसका बुनियादी रूप तो यही है तो उसमें पागलपन के जरासीम होंगे तो जिंदगी के लिए खतरा है इसलिए आराम से बचता है। दूसरे ये है कि वो लोग कुत्ते की खिदमत नहीं करते हैं कुत्ते का झूठा नहीं खाते हमारा कुत्ता भला हुआ कुत्ता तो खाने में कम मुंह डालता है सलाह किया जाता है कि हमारा कुत्ता एक ही दूसरे में उतार नहीं खाएगा हमारे लिए मुसलमान की ईमान वालों के लिए मुनाफा होती है उसकी रात धोते धोते पार करना मुश्किल हो जाएगा उसको इसलिए उन्होंने सामने से उसके कुत्ते को दौड़ाया जिसके घर में घुस रहा था उधर तो हम खड़े हुए थे उधर खाना खा रहे थे बीच में बस वही जगह जिसकी हमारे घर के बाहर जहाँ वो अंधारे पड़े हुए थे बुझे हुए थोड़ा कुत्ता सामने से निकला वो दौड़ता हुआ गया कुत्ते के भाव आप अंदाजा कीजिए कि कितनी देर उसको सुंदर पर रखे गए होंगे लेकिन जो जी झूठ था उसके भाव में जान थी उसकी एक करार की आवाज हुई ये दावती सफर पर था चारों तरफ मैंने निगाह उड़ाई दौड़ाई कोई आदमी ऐसा नहीं था मेरे बुजुर्ग अल्लाह के घर में बैठ कर बात कह रहा हूं मैं कि कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने उसकी तीस पचक में उसकी जमाते को शिकन आ गई किसी के यहाँ के ऊपर गुजर गई 8-10 लोग थे चारों तरफ खाना खाने वाले भी जोर जोर कर रहे थे एक साथ निकला हाय साल उन्होंने अंगारे बाहर ही डाल दिए बेचारा कुत्ता चल गया हमारे सामने भी एक हमारा कुत्ता जल जाए तो नाखून जल जाए अब ऊपर से वो निकल जाए तो हमारी हाय निकल जाएगी हमें इस बात पर यकीन है हमें ईमान का दावा है कि हमारे साथ एक बात फरमाइए सही है
ये लोग हमारे पूरी रिश्ते के भाई हैं, बहन भाई हैं, हमारे नबी की उम्मती हैं, हमारे रब के बंदे हैं। ये अर्थी जो जा रही है किसी भैंस की अर्थी नहीं है, किसी बहन की, मेरी पुत्री की है, मेरे दादा की है, मेरे बाप की। आपका भी कोई रिश्ता है उससे ऐसा ही उसकी अर्थी जा रही है। हमें से हर एक मालूम यहीं से बेदर्दी से जला जाए और फिर उस आग में चली जाएगी जो हमेशा हमेशा بندوں کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کی ہو کہ ذمہ داری مذہبی فریضے کے طور پر سوتی ہے، ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ تم تو خیر بڑے ناز کے ساتھ نوازنے کے لیے تمہیں عزت دینے کی اعلان کرتے نیابت نبوت کے عظیم منصب پر اے امت کا عظیم لقب دے کر تمہیں فائز کیا گیا ہے، اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، انسانیت کی نمبر آسانی کے لیے کو نکالا ہے۔ بہت سی بھلائی لوگوں کو، بھلائی کم دیتے ہو لوگوں کو، برائی سے روکتے ہو۔ خیامت میں رہنے والا دین ہے، تعلیم کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کچھ اور نہ سمجھنے کی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ علامہ طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دو دلیل القدر صحابہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر سے رکھتے ہو۔ اسی کے لیے ہم داڑھی بنا کے بھیجتے ہیں، ہمیں دوزخ سے آگ سے بچانے کی کوشش کے لیے بھیجا گیا۔ کوئی ہم بھائی بہن رہنے کے لوگ ہیں، بھائی بہن رہنے کا ایک مہمہ ہوتا ہے، اس کی کتنی سہولت دی جاتی ہے کوئی آپ کو آگ سے بچانے والا ہے۔ بھائی بہن رہنے کے آفس کے سامنے اگر ایک کتا چل جائے اور معلوم ہو کہ اس محکمے والوں نے کوئی کوشش نہیں کی اس کو بچانے کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی چل جائے اور معلوم ہو چھوٹے سے تمام ہوتے ہیں لوگ نہ وہ اپنی گاڑیاں لے کر آئے، نہ انہوں نے پانی کیا، نہ گیس جلایا، نہ اس کو بچانے کی کوشش کی، ایسے بھائی بہن کے عملے کو جس کے سامنے ایک آدمی مر جائے، ایک آدمی چل جائے، مرے نہیں صرف جل جائے اور ہاسپٹل چلا جائے، کوشش انہوں نے کی تو پرزیدنٹ ایوارڈ دیا جائے گا، ان کو پھانسی دی جائے گی۔ اگر سعودی عرب جیسے سب میں ہو تو پھانسی دی جائے گی۔ 1,24,062 وہ نارا چل رہا ہے اور ان کل سے آج تک 1,24,000 لوگ مرے ہیں۔ آپ جا کر کچھ بھی کریں گے، کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان میں دعوت نہیں، کسی کے خواب میں بھی نہیں کہ آپ کو بلایا جائے گا۔ ہمارے سند کے ساتھ اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین دنیا کی بدترین کافر اسلام دشمن اور فرعون انسانیت ابو جہل کے پاس 3,000 بار سے زیادہ اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب 3,000 کی روایت چھوڑ دیجیے، 94 بار کی چھوڑ دیجیے، 84 کی چھوڑ دیجیے، 70 کی چھوڑ دیجیے، ایک ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں بتا دیتا ہوتا، ہم کہہ سکتے ہم نے نہیں کہا، اب چلانے والے ہیں۔ 1,84,000 اپنی غفلت مانا دارت سے غفلت، اور ہم غیر کون کہتے ہیں، غیر کون سمجھتے بھی،
कहते नहीं रेयर फॉर्म, कहते नहीं हम लोग रेयर फॉर्म समझते नहीं है, बल्कि जब कोई कुछ ऊपर बढ़ जाता है तो ना से ज्यादा अपनी दीनदारी और दीनी अहमियत का इजहार करके और मुंह भर के कहते हैं बिंदारी उस नदी का ऊपर ही कहते हैं तो ढाई आयतों में कुरान ने बेतरीन दर्द को कुरान ने महसूस किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की उम्मत सगा लाए गुल मोमिनी रबी अपनी जान को अदा कर गई उम्मत में ये लोग माने हैं। उस दिन ये कौम जिसमें हमें दाई बना करके जगह है हिंदुस्तान लाख नबी के फरमाने में ये हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। हमें ऐसी कौम के सामने दाई बनाकर पूजा गया है जो अपने खैरखाओं हमदर्दों की देवता बनाकर पूजा करने वाला खैरखाओं इतने देवी देवता इसीलिए है ऐसी मोहब्बत बनी कौम है। हमारे एक अजीज ने कुल्फी वालों कुल्फी वाले ने कहा कि मेरे लिए रेडी पर लिखने के लिए शेर दे दीजिए शायद उन्होंने फिर वही शेर उन्हें बताया करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। मैदान गांव में जाते तो मालूम कितनी मोहब्बत भरी कौन है। हमारे एक दोस्त को मैंने वहां आस्था एक जगह है आस्था एक शहर है जो है सीहोर जिले के में भोपाल के करीब ये बजरंगगंज जो असली कत्ती में इनकी फसादात में मुसलमानों के कत्ल के लिए बनाई गई है उसका मनाराम की एक बार का बड़ा है आस्था वहां के आम इंसानियत का प्रोग्राम था एक धार्मिक प्रोग्राम था। एक नौजवान को मैंने कारगुजारे सुनाने के लिए भेजा दो जर्मन शीरपुर में उससे कुछ भी नहीं हुआ बस हमने कुछ फूल की मालाएं लाए थे गजरे और उनके गले में डाले इनकी मुबारकबाद थी उन्होंने हमें दी और श्री कुर्मा काफी चले गए। उसके बाद सवा साल रहे एक लफ्ज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोले। अगले साल जब ईद आई तो उन्होंने खाली साहब को फोन किया खाली साहब मैंने कपड़े बना लिए हैं कुर्ता पजामा टोपी पहनकर नाल होकर तैयार हो गया आपसे ईद भी मिलना चाहता हूँ और नमाज भी पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने तो ये बताया कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने कहा अभी नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी तारीख की आदत देर हो जाएगी उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी और वो जो है दो ढाई महीने बाद उनके इंतकाल हो मेरा वहां एक बाल मैदान पर प्रोग्राम था वहाँ काजी रसूलुल्लाह साहब वहाँ के नायब काजी उनके बेटे उनकी जगह नियाबत पे आ गए हैं बिल्कुल शिकल सूरत रहती उस सामने से नाच हो रही थी मैं बैठा हुआ था मैंने देखा कि वो खाली साहब आ रहे हैं बिल्कुल कोई बड़े देर के रहने वाले हैं हाथ में कोई टेढ़ा था चांदी की मूर्ख का था और वो उसी तरह बंगाली सूट पहने हुए सामने से लेकिन दाढ़ी काली है तो मुझे हैरत हुई कि भाई साहब को इतना सफेद दाढ़ी थी खिजाब पर से लगाने लगे वो भी सूट सफेद थे अपनी तरह से तो मैंने पूछा कि खिजाब पर से लगाने की कौन ये उनके बेटे हैं इनका कोई सवाल हो गया ये भी नायक खाली हो गए तो रात को देर से मेरी ट्रेन थी जो मेजबान थे वो उनके दामाद थे खाली साहब उन्होंने कहा घर पर चले वहीं आराम कर लीजिए और फिर सुबह मैं छोड़ दूंगा दरिंग स्टेशन के करीब में तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा तो वो खाली साहब भी आ गए साहब अचानक मुझे ख्याल आया कि सुनाया खाली साहब दुलाई शांति का किसी के पास फोन आया था कि मेरे पास फोन आया था तो थोड़ा तफसील बताइए कि साढ़े चार तारीख फोन आया पास जी कपड़े पहन के तैयार हो गया और आपके साथ नमाज भी पढ़ूंगा आपसे मशवरा भी करना है ईद भी मिलना है। तो मैंने गाँव के महल्ले के लोगों को इकट्ठा किया इतने बड़े आदमी आ रहे थे तो वहां से इस्तेमाल करना चाहिए अब वो गजरे बनाने की कोशिश की मुसलमानों की दुकानें बंद थी हमने तो फूलों को भी बना दिया ना ईमान वाला गैर ईमान वाला गुलाब के उसके फूल होते हैं तो समझते हैं ये भाई मुसलमानों के मजारों में चढ़ाए जाते हैं और गेंदे के फूल होते हैं तो समझते हैं हिंदुओं के मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं वहां नहीं मिले तो फिर गेंदे के गजरे बन पाए बाहर से इस्तेमाल किया तो आजकल शिवराज ने एक अच्छी हुई है चीफ मिनिस्टर है वो भी देश आप में चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पायलट गाड़ी 5 लाख गाड़ियों का काफिला था वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया बहुत खुश हुए
कहने लगे भाई साहब या तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, भाई साहब से कहा कि भाई साहब कलमा पढ़ने आया हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। उन्होंने कलमा पढ़ाया, घर पहुंचे तो मैंने एक गुलदस्ता उनकी खिदमत पेश करने के लिए रख रखा था, वो पेश किया, सीने से लगाया, बैठ गए। उनके सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी और सीएम उनके साथ मौके पर नहीं बैठे, हम सर के चरणों में बैठेंगे। आर एस एस मदर वो है ना तंजीम, इसलिए आर एस एस वालों को बड़ा एहतराम करती है सारी तैयारी तक। तो इतने में एक बच्ची आ गई, उसने देखा कि बड़े मियां आप तिलक लगाए सामने बैठे, हमारे पास के बाद बात हो नीचे बैठे हैं, वो अरमान पत्नी है, दावती जौक घर में पैदा हो गया, बच्चों को शौक आते गए कि दादाजी दादाजी आज तो ईद का दिन है, कलमा पढ़ लीजिए मुसलमान हो जाएंगे। मैंने कहा बेटे दादा ने पढ़ी है अभी गाड़ी में। उन्होंने कहा कि नहीं खालिद साहब, इस मासूम बच्ची की मासूम जबान से बहुत बहुत पता है बेटा, बड़ा इतने मेरा बेटा आ गया और आ गया तो स्मार्ट फूड आ रहा है। मैंने देखा भी आई थी बैठे हुए, उसने वीडियो बनानी शुरू कर ली, 10-12 साल से बच्चा है, वो वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई कि बच्ची ने कलमा पढ़ाया तो आप बंद करके डूब कर कलमा पढ़ा, बड़ी मोहब्बत की दस्तक रहा है इस चीज को। फिर उसके बाद वो गुलदस्ता और जैसे 500 रुपये नोट निकाल कर उसको दिए। दादाजी दादाजी मैं कलमा पढ़ाने के पैसे नहीं लेती, बेटे कलमा पढ़ाने के पैसे नहीं है, इतनी लगी इसकी मेहंदी है। वो मना करती रही, मैंने कहा बेटा दादा दे रहे हैं तो दे दो, हिंदी है ना दे दे। उसके बाद वो नाश्ता मंगवाया शीरकुरमा वगैरह, तो मैंने कहा उनसे सीएम से उनसे आप ऊपर सोफे पर बैठ जाइए, आधा नहीं तो मेरे ऊपर नाश्ता नहीं करेंगे हम, नीचे से नीचे वाले से आगे को बैठ गया। तो क्या खाली खाली साहब मुझे नमाज पढ़नी है, तो सीएम कहने लगे सारे लॉ एंड ऑर्डर की पोजिशन खराब हो जाएगी, सिक्योरिटी का मसला है, आप प्लीज बना कीजिए, हम तो सबको मना नहीं कर सकते। वो बार बार नमाज के लिए कहते थे, वो मना करते थे, मेरी उंगली लगाते थे, मैं उनसे मना कैसे करूं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुझे तो कहना था। वो डॉक्टर को समझ गए, उठ के चल गए, कहते गाड़ियों में बैठ गए, बैठे रहे थोड़ा सा, पायलट गाड़ी से कान में सीएम साहब ने कुछ कहा, पुलिस अफसर था, वो कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं, वहां सिक्योरिटी जिम्मेदारी को छोड़ने की वजह से हम जालिम मुल्कों में
हम हाथ मारने वाले बेईमान है, उनका हाथ मारा जा रहा है, उनका हाथ मारा जा रहा है। तो गाली की तरह बल्ला करते हैं, मजदूर की तरह बल्ला के हालात नहीं है, हमारे हाथों के लाए हुए माँ साहब मुसीबतें बलिमान कैसे बन गई थी पर करती। ये जो हालात है ये उन्होंने पैदा नहीं किए, हमने अपने जुल्म की वजह से पैदा की। हमें जुल्म के पाले से निकल कर हमें कम से कम ईमानदार हाथ पैदा करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पर ईमान के हाथ पैदा करने वाले बने। वाह।